Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक्टिंग सेक्रेटरी बीसीसीआई अमिताभ चौधरी साहब को एक मरतबा फिर टेलीफोन लाइन पर लें, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सदर। इससे पहले भी वो टेलीफोन लाइन पर आए थे लेकिन लाइन थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, इस सिलसिले में ज्यादा बात नहीं कर सके। तनवीर, ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज खेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह बात की अभी उमर यूसुफ ने, अंडर 19 खिलाड़ी, ऐसे कितने बच्चे इंडिया और पाकिस्तान में जो दोनों ममालिक को खेलता देखना चाहते हैं? देखिए, नो डाउट हमारी तरफ से तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी सख्ती नहीं होती जब भी इंडिया। सर मैं आता हूँ, एक सेकंड में आपके बाद आता हूँ। इस वक्त बीसीसीआई के एक्टिंग सेक्रेटरी, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर अमिताभ चौधरी इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग मिस्टर अमिताभ चौधरी। वेरी गुड इवनिंग, बट योर वॉल्यूम इज वेरी लो। सर अभी आपको आवाज मेरी सही आ रही है? कुछ बेहतर आ रही है सर? सही है, वॉल्यूम बहुत कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, हमेशा कोशिश करता रहता हूँ, आज भी करूंगा। सर कोशिश तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है सर, मंडे को ये कोशिश होनी चाहिए सर कि दोनों ममालिक अब क्रिकेट खेलें। सर एक अरब से ज्यादा आवाम इंतजार कर रही है। बेशक, खूबसूरत जवाब सर, इतनी खूबसूरती से आप ये जवाब देके चले गए सर, आगे आपने कोई बात ही नहीं की। सर अगर ओवरऑल मैं कहां गया, मैं तो हूं। बेशक हाँ सर, ओवरऑल आपने जो खत लिखा था अभी अपनी हुकूमत को सर, मैं मेरा सवाल है कि उसका कोई जवाब आया सर? क्या है कि एक तो मैं बैकग्राउंड पहले भी दे रहा था, दोबारा दे देता हूँ जी। 2014 में जो एमओयू हुआ था, 2014 ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच सर्टन एक्सचेंजेस हैड टेकन प्लेस बिटवीन बीसीसीआई एंड पीसीबी, ओके, इंक्लूडिंग सीरीज बिगिनिंग विद 2015 एंड इंक्लूडिंग वन दिस ईयर लेटर इन इन द इंडियन सीजन इन द विंटर, ओके। नाउ द पॉइंट इज ऑल दीज different encounters between the two countries, bilateral encounters, okay, of cricket were spread over, you know, 5 years, 4 years, okay, and the intention of these bilateral exchanges had been made in 2014. So all these encounters obviously were also incumbent on government permission from both governments. Sir, obviously we had written to the government, one moment, we had written to the government quite some time ago, and we sent another request saying that a decision is required on this matter, and we are waiting. At the same time, I'm sure even the government of Pakistan would have been approached by the Pakistan Cricket Board. So, I mean, this is actually reciprocal and equal in a sense, if I may say so. बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल। मैं ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोल पाता, थोड़ा हिंदी में बोलूं ज्यादा। सर यही तो है ना कि हिंदी उर्दू ये ऐसी जुबानें पूरे वहाँ भी सब समझ रहे होते हैं, यहाँ भी सब समझ रहे होते हैं, तो उर्दू में ही पूछ ले, मैं जवाब दूंगा। हाँ मैंने कहा वो वैसे भी सर आप सिर्फ आपका बात करना ही काफी, आप किसी भी जुबान में बात करें। मैं तो बात कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में तकरीबन एक ही जैसी जुबान बोली जाती है, लोग समझ भी रहे होते हैं सर। वैसे अगर बेशक अमिताभ चौधरी साहब, मैं आपसे एक बात ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट सीरीज अभी किसी वजह से नहीं हो पा रही है या जो भी है, जो हर जाने का दावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दायर किया है, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। सीधी बात ये, मैंने पहले भी कहा था, जब पहली बार लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैंने एक बात रखी थी आपके सामने, वो ये रखा था कि जो मीटिंग के कंटेंट है जी, उसको मैं अभी तो डिस्कस कर नहीं सकता, ठीक है, है ना, बहुत हर्जाने या ना हर्जाने जो भी है वो बहुत ही लीगल सिचुएशन की बात है। बिल्कुल सर, ये बात ये है कि अगर लीगल, वन मोमेंट, लीगल हर्जाना अगर पीसीबी को होने का क्लेम है तो आफ्टर ऑल बीसीसीआई को भी तो क्लेम है। अगर अगर इंडिया में पाकिस्तान खेलती है तो उसके रेवेन्यू का आपको अंदाजा नहीं है, तो वो भी एक तरह का हर्जा है, तो ये तो हर्जानों का कंपैरिजन है। तो सर पाकिस्तान की बात तो हम वहां करेंगे, पीसीबी, जब पीसीबी के साथ बात होगी तो करूंगा, और बेशक करूंगा।
बिल्कुल ठीक है सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो तकरीबन 60 करोड़ कुछ हर्जाना रखा है। मैं नंबर्स की बात ही नहीं करता, मैं सिचुएशन फेसेस की बात ही नहीं करता, मैं तो इंस्टीट्यूशन सिचुएशन कॉन्सेप्ट इनकी बात करता। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है सर। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो जाहिर है इस वक्त बीसीसीआई भी जिस तरीके से चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत, आपने इस वक्त एक्टिंग सेक्रेटरी की जिम्मेदारी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बीसीसीआई बहुत बेहतरीन चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सेक्रेटरी हूँ बीसीसीआई का, मैं बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। बहुत बेहतरीन चल रहा है, अपने एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, उसमें सब के सब बड़े डिस्टिंग्विश लोग हैं। Mr. Vinod Raya is a very able captain, and then assisted by Mr. Ramchandra Guha, Mr. Limay, Madam Adalji, a most distinguished cricket player. अपनी टीम बहुत अच्छी चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फील्ड के बाहर भी फील्ड के अंदर भी। नहीं सर, अभी आईपीएल आपने बड़ा कामयाब कराया है और आपकी कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी आप बात कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है सर, ये तो बिल्कुल देख रहे हैं। लेकिन सर ओवरऑल आपके जहन में वैसे ही एक मैं पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट सीरीज से हट के बात कर रहा हूँ कि अगर हम आपस में दोनों ममालिक की क्रिकेट को किसी ना किसी सेटअप पे आगाज करें तो आईपीएल की चैंपियन टीम अभी हमारे सामने आ गई है मुंबई इंडियंस। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की चैंपियन टीम पिशावर जलमी जो पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम है, हम कोई एक सीरीज इनके दरमियान भी कर सकते हैं, रणजी ट्रॉफी की चैंपियन टीम और कायदे आजम ट्रॉफी की चैंपियन टीम इनके दरमियान भी सीरीज, अगर पहले मरहले में पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज नहीं हो पा रही तो सर आपके जहन में आता है कि ये कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनको उठा के हम आगे बढ़ सकते हैं? मेरे जहन में आने के बाद आज से 6 या 7 साल पहले आपको मालूम हो कि रणजी ट्रॉफी चैंपियन and Qaeda Azam Trophy champions, they used to meet for the Nisar Ali Trophy. Ji, bilkul. Sab, ye toh pehle se chal raha hai. Mere zehen maane ki bahut pehle se chal raha hai. सर मैं तो इस वक्त जो जहन काम कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ सर, ये तो बहुत पहले चल भी रहा था, उसके बाद खत्म भी हो गया सर। नहीं तो ये वो तो ठीक है, वो ये होना भी चाहिए, but everything is dependent on the overall the larger context and the larger frame of reference, which is the India-Pak bilateral cricket relations. और इसके बारे में बात होगी परसों परसों जब हम मिलेंगे तो। सर क्या उम्मीद करें सर, ये जो आवाम क्या उम्मीद करें, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात बताता, मैं तो जिंदगी से कभी ना उम्मीद होता ही नहीं। वाह, तभी तो जा रहा हूं। तो सर फिर उम्मीद रखें सब लोग। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कभी ना उम्मीद नहीं होता। अच्छा सर, अब इस वक्त क्यों ना उम्मीद हो सर? बिल्कुल मुझे पता है सर, रुकावट किस जगह पर है और कहां से इजाजत दरकार है वो मैं बिल्कुल हम जानते हैं, हम उससे तो जाना नहीं चाहते, हम तो खेल खेल है। सब जानते ही हैं तो मुझे आप पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं तो खेल खेल है की बात कर रहा हूँ, जो हमारा आईपीएल का स्लोगन था आपका खेल खेल है, मैं तो सिर्फ उसकी बात कर रहा था सर। एक जी सर पूछे हाँ, मैं आपसे मेरा सवाल फिर वही है सर, सर जिस वक्त निसार ट्रॉफी हो रही थी सर, उस वक्त तो जाहिर है आपके पास इतने इख्तियारात नहीं थे सर, आज आप एक्टिंग सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के और एक झारखंड बड़ी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, फिर वही सवाल मैं थोड़ा सा आपसे दोहरा रहा था। झारखंड एसोसिएशन बड़ा एसोसिएशन नहीं है सर, धोनी जैसा खिलाड़ी दे दिया सर, साइज में आप देखे तो हाँ ये जरूर है, दमदार है, ये दमदार है सर, दमदार है, आप ठीक कह रहे हैं। तो सर आईपीएल और पीएसएल की चैंपियन टीमों के दरमियान सीरीज क्या बर्फ पिघलाने में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, या कायदे आजम ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी की चैंपियन टीम? मैं और आई एम ग्लैड यू पुट दिस क्वेश्चन अबाउट द टू चैंपियंस ऑफ द लीग प्लेइंग विद ईच अदर, द टू नेशनल चैंपियंस प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, दे हैव प्लेड ऑलरेडी प्रीसीडिंग the bilateral series and tournaments. But मैं तो उल्टी तरह से शुरू करना चाहूंगा, पहले आपस में बात हो जाए, हुकूमतें परमिशन दे दें, तो फिर
सर पता है क्या, लोग तो ये बात करते हैं, मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ, वहाँ तो मेरी इतनी बात नहीं हुई, मैं ऑलरेडी दो तीन टूर किए मैंने भारत के, सीरीज मैंने कवर किया। आपने एक कोशिश की मुझसे बात हो रही है, एक कोशिश की मुझसे बात हो रही है। हाँ सर बिल्कुल, तो ये यहाँ बेसिक होकर बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आई एम पर्सनली थैंकफुल टू यू सर कि आप आए और आपने आके पहली मर्तबा किसी पाकिस्तानी चैनल से बात की, मेरे शो को ये ऑनर है कि अगर आप बात कर रहे हैं, और मैं सिर्फ खेल खेल है पर ही बात कर रहा हूँ सर, हम तो खेल खेल है, हम तो इससे अलावा तो हम कोई बात, मैं भी तो खेल की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा सियासत कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सियासत कर रहा हूँ, मैं भी तो खेल की बात कर रहा हूँ। सर मैं तो सिर्फ अवामी बात जो मैं कर रहा था कि लोग कहते हैं कि पीसीबी और बीसीसीआई के ऑफिशियल कॉफी पीते हैं, टेबल पे बैठते हैं, उसके बाद हाथ मिलाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरह पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेटर्स की आपस में बहुत दोस्ती है। और मैं भी अवामी बात कर रहा हूँ, मैं भी अवामी बात करता हूँ, लेकिन वो कॉफी के बाद भी बात आती है, हम लोग साथ खाना भी खाते हैं। ठीक है, अब जो भी बात होगी कॉफी के बाद ही होगी। खाना खाया था दुबई में। हाँ बिल्कुल सर, हमारी तो बस अब सर यही है कि बस ये क्रिकेट होनी चाहिए, खेल को खेल ही रहना चाहिए, वैसे और बहुत सारे मसाइल दोनों ममालिक के में अगर हम देखते हैं, लेकिन एक मैंने खेल सारे, है। मैंने सारे बात सारी बातों को रख दिया, अब इसका के अब और क्या कहना, आपने बहुत बहुत बाकी दुबई में बात करने। सर विश यू अ वेरी गुड लक इन फॉर दुबई मीटिंग मंडे को, जो आप सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई एम पर्सनली थैंकफुल टू यू, आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। अमिताभ चौधरी साहब को आपने सुना, तो उम्मीद वो भी कायम किए हुए हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बायलेटरल सीरीज है उस सिलसिले में जो मिलने जा रहे हैं दोनों ममालिक के हुकाम और इनके मुजाकरात मंडे को होने जा रहे हैं दुबई के मकाम पर, तो वो भी पूरी उम्मीद दिखाई दिए। नजम सिद्दीकी साहब भी थे, वो भी पूरी उम्मीद दिखाई दिए, और ये दोनों इस वक्त पावरफुल शख्सियत हैं दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स की। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जो कुछ कहा अमिताभ चौधरी साहब ने उस पर बात करेंगे। तनवीर अहमद सर।